जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत। साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ग्राउंड लेवल द रियल ब्लॉक्स के ऊपर। तो आज है 24 फरवरी और आज है वो महान दिन श्री गुरु रविदास प्रकाश उत्सव 2024 आज मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और आज हम आए हैं कठुआ में सांझी मोड़ के पास। यहाँ पे आज निकलने वाली है एक बहुत ही विशाल सुंदर शोभा यात्रा श्री गुरु रविदास जयंती के प्रकाश उत्सव के ऊपर। और इस समय हम खड़े हैं श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सांझी मोड़ ठीक मेरे पीछे। और यहाँ से हम सबसे पहले आपको दर्शन करवाएंगे और फिर दिखाएंगे हम यहाँ से आपको श्री गुरु रविदास शोभा यात्रा जो सांझी मोड़ से शुरू होकर अलग अलग गाँव से गुजरते हुए फिर से जो है चढ़वाल से हाईवे से राजबाग से होते हुए ये फिर से श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सांझी मोड़ में ही समाप्ति होगी इसकी। तो सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे दर्शन और फिर उसके बाद आपको दिखाने का प्रयास करते हैं श्री गुरु रविदास की शोभा यात्रा। यात्रा आप देख रहे हैं कितनी जो है भीड़ जो है जुटना शुरू हो गई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ये जहाँ पे जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ पे जुड़ रहे हैं। तैयारियाँ बिल्कुल धूमधाम से होके रखी हुई हैं। सिर्फ कुछ ही पलों में यात्रा जो है ये शुरू होने वाली है। और तो साथी, हमारे पहुंचने के कुछ ही क्षण में गाड़ियों की लंबी लाइन जहां पे शोभा यात्रा के लिए लग चुकी थी। हर किस्म की गाड़ियां यहां पे शामिल थी और यहां पे मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर सारी गाड़ियां शामिल थी। और कुछ ही देर में जो है इनॉगरेशन जो है शोभा यात्रा का जो है शुभारम्भ किया गया। यहाँ पे मुख्य अतिथि के द्वारा उनका स्वागत किया गया और इस यात्रा का जो शुभारम्भ है श्री गुरु रविदास जी महाराज के गुरुद्वारे में मथा टेके उसके बाद जो है उसका शुभारंभ जो है वो किया गया। संगत का प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रालियाँ भर भर के जो संगत है यहाँ पे आई हुई थी और पूरी अनुशासन से लाइनों में यहाँ पे ट्रॉलियाँ जो हैं लगी हुई थी। सबसे पहले मोटरसाइकिलों की कतार थी और उसके बाद जो है फोर व्हीलर छोटी गाड़ियाँ जो थी उसकी, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली मेट्रोड वगैरह जो है यहाँ पे बहुत सारी जो श्री गुरु रविदास सभाएँ हैं आसपास की वहाँ से जो है ऑटो में हर चीज़ में जो संगत है वो भर भर के यहाँ पे आई हुई थी। तो आपको दिखाने के प्रयास करते हैं यहाँ पे जो गाड़ी जो है ये इनको बड़े अच्छे तरीके से श्री गुरु रविदास के पोस्टरों से सजाया गया। यहाँ पे एक जो है ये बड़ी खूबसूरत जो है यहाँ पे ऑटो जो है ये तैयार किया था श्री गुरु रविदास की चित्र जो है लगाया था और बड़े खूबसूरत तरीके से इसको जो है सजाया गया था। एक मुख्य गाड़ी जो है तैयार की थी गई थी यहाँ पे, यहाँ से प्रसाद जो है ये लोगों को बांटा जा रहा था। और यहाँ पे जो है इस गाड़ी की सजावट, भाई वाह देखिए क्या बात है, क्या देख के इसकी सजावट जो है ये बन रही थी। और हर जो संगति, हर किसी की जो संगति अपने तरीके से उन्होंने अपनी अपनी गाड़ी को सजाने का प्रयास किए थे। इस गाड़ी को हम सामने से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये मुख्य जो पालकी थी यहाँ पे, तो ये यहाँ से सामने से देखिए क्या भारी सजावट जो है इसकी की गई थी। जो गाड़ी बिल्कुल आगे आगे जो है शोभा यात्रा की चलने वाली थी और शोभा यात्रा की लाइन जो है वो काफ़ी लंबी जो है आप देख रहे हैं हो चुकी थी बड़ी आगे तक। और आगे मोटरसाइकिलों की लाइनें जो हैं वो लगवाई गई थी, दिखाते हैं आपको। लाइन आप देख रहे हो पीछे से यहाँ से और मोटरसाइकिलों पे भी हैं रैली हैं यहाँ पे, यहाँ से भी आप सामने देख सकते हैं। और बड़ी तरीके से रैली में देखिए जो युवा संगत है वो भी आई हुई है पूरी स्कूटी में तैयारी करके आई हुई है। यहाँ पे झंडा पूरा लगाया हुआ है आगे से पूरा जो है लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई जी से पूछते हैं, भाई जी कहाँ से आए? भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल है भैया। तो भाई जी कहाँ से आए आप? हम इधर से ही हैं, चंगी से। जी, तो आज जो शोभा यात्रा श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव में निकल रही है कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। तो कितना जोश है आज की? बहुत जोश है, हद से ज्यादा। जी जी जी। तो आपके जैसे भाई से बड़े सारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शामिल है,
तो कैसी शोभा यात्रा बनाने वाले हैं? सबसे यादगार ही होगी, सबसे बढ़िया कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चाहते हैं कि संगत जो है कितना सारा जोश है इसमें और शोभा यात्रा बहुत बढ़िया। शोभा यात्रा जो है ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, हमने पीछे तक आपको दिखाने की कोशिश की। गाड़ियों की जो संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो संगत है वो भी काफ़ी ज़्यादा जोश में। यहाँ पे देखिए जो जंग हमारे संगत है, देखिए कितने जोश में है यहाँ पे और कितने जोर से यहाँ पे जो जयकारे हैं बाबा जी के लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो संगत में कितना सारा जोश है, कितनी यहाँ जोर से जयकारे जो हैं आज के दिन लग रहे हैं। तो भाई लोगों को कितना जोश है आज के दिन? बहुत जोश है भैया। तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है भैया। तो कहाँ से आए हैं भाई जी? ये हम चक छब्बा से। आप भाई जी आपका क्या नाम? मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है। आप कहाँ से हैं? मैं भी चक छब्बा से हूँ। तो बहुत इस टीम में काफी सारा जोश है जो यहाँ पे शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। तो सभी को सबसे पहले जो है श्री गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव पे हार्दिक बधाइयां। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूछते हैं किसी से कहाँ से आए हैं भाई जी? का नाम है आपका? मेरा कमल है। भाई जी कहाँ से आए हैं? गदयाल से। तो आज जो ये यहाँ पे शोभा यात्रा निकली है कितनी खुशी महसूस हो रही है प्रोग्राम में शामिल? बहुत खुशी जी। जी जी, जैसे आप अपने बच्चों को भी लेके आए हैं तो कैसा महसूस होता है जब साल में एक दिन आता है? बहुत अच्छा। तो कैसे क्या बोलना चाहेंगे आप अपने जो अपने भाई लोग उनको क्या बोलना चाहेंगे जो इसराइली में आना चाहते हैं? उनके लिए सबसे ठीक है कि अपना गुरु है उसके पीछे चलो जिसने हमारे को दुनिया दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है ब्रदर आपका? नितिन कुमार। आपका क्या नाम है? लवली कुमार। आपका? लव अभी अभी। तो आप मुझे बताएं आज की शोभा यात्रा के लिए कितना जोश है? फुल पूरा जोश है। यहाँ पे एक ट्रालियां देखो, ट्रालियां भर भर के ट्रालियां जो है संगत की आई हुई हैं। इतनी सारा जोश है संगत में, यहाँ पे ये नहीं बच्चे बूढ़े औरतें सारी संगत जो है मिलजुल के आज शोभा यात्रा जो यहाँ की है सांझी मोड़ की यहाँ से शामिल होने के लिए आई है। तो पूछते हैं हम ये संगत से कहाँ से आए हैं? तो आंटी जी क्या नाम है आपका? सुवर्णी देवी। तो आंटी जी कहाँ से आए आप? असोड़ा से आए। तो आज जो शोभा यात्रा निकल रही है कितना जोश है आप में? बहुत है। तो खुशी कितनी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। तो कौन कौन आया घर से? बच्चे आए हैं, मेरी जेठानी आई, सभी आए हैं। ये पूरा परिवार लेके साथ में आए हुए हैं आज गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। दूर दूर से यहाँ पे संगत आ रही है तो बहुत ही खुशी है इनको जो है यहाँ आज शोभा यात्रा में शामिल होके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। भाई जी कहाँ से आए हैं? हम ग्यालमण से। तो आज आप अपना जो ट्रैक्टर है ये सब लेके सेवा में लेके आए हो? जी जी, सेवा में। तो कितनी सारी संगत में कितना जोश है, कितने लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं? कम से कम 20-40 लोग। आप देखिए 20-40 लोगों की सेवा यहाँ पे इन्होंने दी है। जो लोग शोभा यात्रा में शामिल होने चाहते थे इनकी वजह से यहाँ पे आ पाए हैं। देखिए कितनी सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय रविदास। तो दोस्तों शोभा यात्रा भी शुरू भी थोड़ी सी हुई थी कि लोगों द्वारा जो है प्रसाद के रूप में फ्रूट लंगर के द्वारा जो है स्वागत किया जा रहा है। पर भर के जो प्रसाद जो है फ्रूट केले संतरे जो है ये बांटे जा रहे थे संगत को। और धीरे धीरे जो है शोभा यात्रा जो है सांझी मोड़ से आगे बढ़ते हुए गांव-गांव से निकलते हुए जो है पूरे धूमधाम से पूरी संगत की जोश के साथ जो है वो आगे बढ़ रही थी। और रास्ते में जगह जगह जो है जो सेवादार थे उनके द्वारा संगत के लिए स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे। तो बहुत सारे स्टॉल जो है यहाँ पे लगाए थे। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो भी स्टॉल जो है रास्ते में लगे हुए हैं। तो शोभा यात्रा बढ़ती जा रही थी, गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल वगैरह जितने भी थे वो सारे आज मेरे साथ शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। जो बता देता हूँ ये तानिश है बच्चा, और पीछे अगर आप देखें तो तानिया है, बादल बड़गाल और प्रिया बड़गाल बड़े जोश में हैं। ये तो आज आए हैं मेरे साथ शोभा यात्रा देखने के लिए। जय भीम, जय भारत। तो
ऑटो यहाँ से आया हुआ है, देखिए पूरे यूनिफॉर्म में सेवादार किया जो यहाँ पे बैठी हुई है शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आई है। पूछते हैं कहाँ से आए आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकुंदला। आप कहाँ से आंटी? लवदू चक से। ये पूरे जो संगत है आपके साथ? हाँ। तो आज के दिन कितना जोश है शोभा यात्रा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऐसा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपका क्या नाम आंटी? सृष्टा देवी। आपका? संतोष देवी। तो आप सभी लोग वहाँ से आए? हाँ, सभी से आए। एक जयकारा बोल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ देखिए जो मुख्य पालकी थी श्री गुरु रविदास जी की, तो उस पर जो है फूलों के द्वारा सेवादार फूलों की वर्षा जो है ये करते हुए दिख रहे थे। बहुत ही गजब का ये नज़ारा जो है ये सामने नज़र आ रहा था। बड़े जोश में सेवादार जो है फूलों की जो वर्षा है वो पालकी के ऊपर कर रहे थे, और शोभा यात्रा की जो शुरुआत है वो हो रही थी। अब शोभा यात्रा शुरू हो चुकी थी और भारी जो लाइन थी यहाँ पे गाड़ियों की लग चुकी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन जो है ये क्योंकि जो है रास्ते पे पूरे ही अनुशासन से एक साइड से जो है शोभा यात्रा बड़े ही अनुशासन तरीके से चल रही थी, और संगत साथ में जो है भजन कीर्तन करते हुए जो है बड़े ही जोश में जो है दिख रही थी। तो अलग अलग गाँव से निकलते हुए शोभा यात्रा जो है धीरे धीरे करके आगे आगे जो है बढ़ती जा रही थी। देखिए पूरे जोश में रैली जो है चल रही है यहाँ पे शोभा यात्रा। गाड़ियाँ जो है पूरे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे निकल रही हैं, और यहाँ पे हर किस्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे देखिए भाई जी यहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, तो ये भी भाई जी बड़ा जोश है इनमें भी हमें देख के मिला। तो भाई जी से पूछते हैं नाम आपका। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है सर। रवि कुमार मेरा नाम। तो भाई जी कहाँ से आए हैं? सांझी मोड़ से। तो मैं देख रहा हूँ आप अपना ये अपना साइकिल लेके आए हुए हैं जो इलेक्ट्रिक साइकिल है ये, तो इतना सारा जोश देख के आपको मन खुश हो गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितना जोश है आप में? बहुत जोश है। तो आप जैसी संगत को देख के लोगों का जोश जो है और ज्यादा बढ़ जाता है कि आप लोग जो है शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविदास जी। बहुत यहाँ पे फ्रूट का स्टॉल जो है सेवादारों ने जो संगत की सेवा है उसके लिए लगाया हुआ है यहाँ पे। भाई जी क्या नाम है आपका? पवन कुमार। तो भाई जी आप कहाँ, ये कौन सा गाँव है भाई जी? बंदौर। तो भाई जी आपने जो ये संगत की सेवा के लिए फ्रूट का ये स्टॉल लगाया हुआ है, केले और ये संतरे आप जो दे रहे हैं, मतलब कहाँ से ऐसा जोश, ये कैसे कहाँ से ऐसी सोच आ जाती है? ऐसे मन में ही हो जाता है कि बहुत जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, उनको प्रसाद दिया जाए। बहुत जोश है हमें। तो कितनी दिल बहुत खुशी है, दिल बहुत खुश है। रैली बड़ी रैली जा रही है, देख के कैसा महसूस होता है? बहुत मजा आ रहा है देख के। गुरुदेव जय रविदास। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देख लो भाई लोग सेवा कर रहे हैं। ब्रेड देखिए पूरा टप भर भर के सेवा हो रही है। ये देखिए ब्रेड की कमी दिख रही है, कोई कमी नहीं है यहाँ पे सेवादारों की, कोई कमी नहीं है। भर भर के सेवादार दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, और इसके साथ दिया जा रहा है ये आलू पहले से पैक किया हुआ है यहाँ पे, और इतनी मेहनत इन्होंने की है सिंगल सिंगल लिफाफे में सेवादारों ने पैक किया होगा, शायद पूरी रात लगाई होगी इतनी संगत के लिए जो सेवा कर रहे हैं। एक लाइक तो बनता है इन सेवादारों के लिए जो इतनी संगत की जो है यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। एक एक करके नाम पूछ लेते हैं सिर्फ भाई का। भाई जी क्या नाम है? रघुवीर लाल। भाई जी आपका क्या नाम है? विजय कुमार। पापा जी आपका क्या नाम है? सतपाल। पापा जी आपका क्या नाम है? राय कुमार। तो सारे भाई लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, खानपुर गाँव से बड़े भरपूर मात्रा में सेवा कर रहे हैं आप देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया खानपुर गांव का जो यहां पे संगत के लिए बड़ी सेवा कर रहे हैं। पूछते हैं इनसे कैसे प्रेरणा मिलती है। पापा जी जय गुरुदेव। क्या नाम है? जय गुरुदेव। देसराज जी।
तो पापा जी ये कौन सा खानपुर गांव है? हाँ खानपुर गांव है सर। तो हम देख रहे हैं आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे ब्रेड न्यूट्री का स्टॉल जो है संगत के लिए लगाया हुआ है, ये कहाँ से ऐसी सोचा जाती है? जी हम सदा लगाते हैं, जब इधर से एक साल इधर आती है, एक हीरा नगर एक साल जाती है, तो हम हर बार लगाते हैं। जी जी जी, तो हमारी श्रद्धा है सर। तो अपनी श्रद्धा से जो तो ये करके पापा जी कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया महसूस होता है, हमको बहुत संतुष्टि मिलती है। जी जी, तो आज कैसा जोश है जो आज दिन मनाया जा रहा है? हम तो हमारे गुरु का जन्मदिन है, हम तो आज बहुत ही खुश हैं सर। हमने इस बार आगे पीछे अलग अलग लगाते थे, कभी घोड़े लगा देते थे, कभी जय गुरुदेव जी जय रविदास जी। अभी जो शोभा यात्रा पहुंच चुकी है आगे, यहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ है सेवादारों के लिए, और यहाँ पे देखिए सेवादार जो है भर भर के लोगों को स्टॉल जो है ये फ्रूट बांट रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे स्टॉल जो है बांटे जा रहे हैं, यहाँ पे केले लगे हुए हैं, केलों की कोई कमी नहीं है, फ्रूट की कोई कमी नहीं है, संतरों की कोई कमी नहीं है। हलवा यहाँ पे भर भर के सेवादारों के द्वारा बांटा जा रहा है। जितनी ज़्यादा बड़ी शोभा यात्रा है उतना ही ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ के लोग जो है सेवा में भाग ले रहे हैं और संगत की जो है सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव शर्मा है। तो भाई जी ये कौन सा गांव है भाई? ये गांव पड़ता है अपना क्या नाम बकराल में, जो हमारे सरपंच राकेश चौधरी जी हैं उन्होंने ये लंगर लगाया ताकि जो आने वाली संगत है उनको थोड़ा सा खाने के लिए, सुबह खाली पेट सभी निकले हुए हैं और उनके लिए ये लंगर लगाया है। और ये हमारे जो सरपंच राकेश जी हैं ये बहुत सोशल हैं और काफ़ी सोशल काम करते हैं, और इनका जो भी काम होता है अच्छा होता है, समाज के लिए भी अच्छा होता है और लोगों के लिए भी अच्छा होता है। जहाँ हर कम्युनिटी के लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे राकेश जी ने यहाँ पे देखिए भर भर के लंगर जो है लगाए हुए हैं यहाँ पे, और भर भर के लोगों को जो है स्टॉल जो है वो बांटा जा रहा है। और तो जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी, संगत का जोश भी साथ साथ बढ़ता जा रहा था, और ज़्यादा संगत जो है शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जो है अलग अलग हिस्सों से अलग अलग गलियों से निकल के आ रही थी, और सेवादार जो सेवा में लगे हुए थे उनका जोश भी जो है वो देखते ही बन रहा था। हर किस्म की गाड़ी में जो है यहाँ पे संगत जो है शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए आई हुई थी, और जगह जगह उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा था लंगरों के द्वारा। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था जो है सेवादारों के द्वारा की गई थी, बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त जो है, बहुत ही तन मन धन के साथ यहाँ पे देखिए संगत हर जगह स्वागत में जो है खड़ी थी। जितने भी गांव के लोग थे जो वो बाहर पुष्करण सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला, सेवा करने का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी है हमें। बिस्किट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे रखे हुए थे, जो बाल्टियों में भर भर के संगत को जो है वो वितरित किए जा रहे थे फ्रूट के साथ साथ। तो बहुत जो है ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे जो लंगर जो है फ्रूट का लंगर जो है जहाँ पे सेवादारों ने लगाया हुआ था, तो बहुत बढ़िया सेवा कुल मिला के जो है यहाँ पे चल रही थी शोभा यात्रा के लिए। तो बहुत ही बढ़िया स्वागत जो है गांव के लोग जो है शोभा यात्रा देखने के लिए जो है बाहर निकल के आए थे, और शोभा यात्रा का पूरे जोश के साथ भजन कीर्तन के साथ शोभा यात्रा का स्वागत जो है वो कर रहे थे, और ये दृश्य जो है वो देखते ही बन रहा है। पहुंच चुकी है संजमा गांव में इस समय, तो यहां पे भी एक स्टॉल जो है संगत की सेवा के लिए लगा हुआ है, देखते हैं क्या लगा हुआ है यहां पे। तो यहां पे सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहां पे जो सेवादार हैं इन्होंने संगत के लिए जो है गर्मी है चुकी आ चुकी है तो पानी लगाया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी की सेवा की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पे हलवे का जो प्रसाद है ये बांटा जा रहा है यहाँ पे, देखिए भर भर के हलवा रखा हुआ है संगत की सेवा के लिए काफ़ी मात्रा में। तो काफ़ी बढ़िया जो लजीज हलवा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये बनाया हुआ है, तो ये सारा बांटा जाएगा जो हमारी शोभा यात्रा जो है साथ में चल रही है। मेरा नाम दीपक है।
तो भाई जी ये कौन सा काम पड़ता है भाई जी? ये संजवा पड़ता है हमारा। तो भाई जी ये कैसे मतलब कैसे प्रेरणा मिली कि ये संगत के लिए? संगत के लिए सोचा कि चलो गुरु ने हमें टाइम दिया, हमने भी चलो जो हुआ किया हमने भी सेवा में, अभी मौका मिला सेवा। पूरा जो क्रेडिट है गुरु जी को देते हैं कि उन्होंने जो प्रेरणा इनको दी है कि ये संगत की सेवा करें, उन्हीं की जो कृपा है, उन्हीं की जो कृपा से ये बुद्धि ये प्रेरणा आती है कि ये जो है संगत के लिए जो इतना अच्छा जो अरेंजमेंट है इन्होंने किया। जयकारा काशी वाले का, कच्चे दरबार की जय। शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई पहुंची है, ये बल्ला फिलिंग स्टेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सिख भाई हैं इन्होंने यहाँ पे जो संगत आ रही है उनके लिए जो है यहाँ पे हलवे का प्रसाद जो है लगाया हुआ है। बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पे हलवे का प्रसाद जो है वितरण किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं पूरा जो टेबल है भर दिया है, पूरे भर भर के जो प्रसाद है हमारे जो भाई हैं ये यहाँ पे लगा रहे हैं। और बहुत ही खुशी का अनुभव होता है जब ऐसे जो है सब लोग मिलजुल के काम करते हैं यहाँ पे। तो कहते हैं कि जो भाई हैं सिख भाई हैं ये लंगर के लिए सेवा के लिए जो है इनका नाम जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो क्या नाम है आपका भाई जी? हाँ जी, मेरा नाम गगनदीप सिंह। तो भाई जी ये कैसे मतलब ये लंगर कैसे क्या सोच आती है? नहीं सोच क्या, ये तो हमारी सिखों की परंपरा है लंगर लगाना, ये तो फर्स्ट टाइम तो है नहीं है। चलो आज गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन था तो चलो सोचा कि हम भी अपने पेट्रोल पंप पे उनके लिए सेवा के लिए कुछ लंगर लगाएं। बहुत ही बढ़िया भाई जी ने, बहुत ही बढ़िया। ये तो आप जानते हैं कि लंगर जो है ये एक अगर सिख भाई की बात करें तो ये बड़ी आम सी बात है कि लंगर लगाना, चाहे बड़े से बड़ा लंगर हो एक मिनट में तैयार हो जाता है। और काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे भाईचारे का परिचय जो है ये जो है देते ही यहाँ पे ये देखिए बार बार के लंगर जो है संगत के लिए लगाया हुआ है। जय। शोभा यात्रा आगे बढ़ती बढ़ती अभी पहुंची है राजबाग में। तो पीछे से संगत आप देख रहे हैं आ रही है धीरे धीरे यहाँ पे पूरे जोर से। और जगह जगह आपने देखा जगह जगह जो सेवादार हैं वो स्टॉल लगाए हुए हैं संगत की सेवा के लिए, अलग अलग किस्म की जो खाने की चीज़ें हैं वो लगाई हुई हैं। पीछे आपने देखा पेट्रोल पंप पे सिख भाइयों ने वहाँ पे हलवे का बहुत ही अच्छा जो है प्रसाद लगाया हुआ था। और यहाँ पे भी जो है भाई लोगों ने सेवा की है, यहाँ पे लगाया हुआ है कोल्ड ड्रिंक लगाई है। तो यहाँ पे संगत को दिया जाएगा ये कोल्ड ड्रिंक जो है ये यहाँ पे डाली जा रही है। देखिए काफी सारी कोल्ड ड्रिंक जो है ये भर के रखी हुई है। तो ये देखिए पूरा का पूरा टप भर के रखा हुआ है ये पूरी संगत के लिए यहाँ पे। तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे तैयार हैं जो है सेवा करने के लिए। कुछ नाम तेजिंदर सिंह है। तो भाई जी ये कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगाया हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई जी? ये तो गुरु नानक देव जी का लंगर है जी, ये चलता है। बाकी रविदास जयंती की सारी संगत को लख लख बधाई जी। जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। तो आप देख रहे हैं सुरजीत सिंह। तो पापा जी ये संगत की सेवा की प्रेरणा कैसे मिल जाती है, कैसे मतलब सोच आ जाती है? संगत जागरूक होती है जी जी, उनके लिए हमारे जो लोग हैं हर टाइम ही नहीं है जी, संगत की सेवा करने के लिए जो हमारा समाज है जी, हर टाइम खड़ा है जी 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 जी। तो बहुत बड़ी बात जो है बच्चे कह रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिख भाई हैं ये हमेशा ही जो है सेवा के लिए जो है तैयार रहते हैं, चाहे कहीं भी हो, कहीं पहाड़ों में भी जगह हो तो वहाँ भी जो है सेवा इनकी पहुँच जाती है। इतना जोश कैसे कहाँ से आ जाता है, सब गुरु की कृपा है। तो यहाँ पे भी जो है इसी जोश के साथ इसी जो है तन मन के साथ धन के साथ यहाँ पे जो है उन्होंने सेवा लगाई हुई है। अभी पहुंच चुके हैं बिल्कुल हाईवे के ऊपर, यहाँ से आप देख रहे हैं ये हाईवे दिख रहा है और यहाँ पे संगत अभी आ रही है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो ब्रेड न्यूट्री का स्टॉल यहाँ पे सेवादारों ने लगाए हो गए। चलिए दिखाते हैं आपको क्या लगा हुआ है यहाँ पे स्टॉल के ऊपर। यहाँ पे सेवादार देखिए खड़े हैं,
जो मिनरल वाटर है उसकी बॉटलें भर भर के रखी हुई हैं, और यहाँ पे ब्रेड और न्यूट्री जो है इसका स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए सेवादार कितने पूरे जोश में, पूरे हाइजीनिक तरीके के साथ यहाँ पे स्टॉल बांटा जा रहा है। जो जितने भी यहाँ पे सेवादार हैं सबने ग्लव्स डाले हुए हैं, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा टप भर के न्यूट्री जो है बनाई हुई है। ये देखिए रैली पहुँच गई है सुबह अगर यहाँ पे, तो भाई जी जिन्होंने स्टॉल का बंदोबस्त किया गया, पूछते हैं इनसे। भाई जी जय गुरुदेव। जय गुरुदास जी। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। तो भाई जी कौन सी जगह है ये स्टॉल? ये है राजबाग संजवा मोड़, आयरन हाउसिंग। जी जी। तो भाई जी ये इतना बड़ा स्टॉल आपने लगा दिया संगत की सेवा के लिए, जी जी, कैसे प्रेरणा मिलती है? बस ऐसे मतलब अपने लोगों के लिए कुछ करने की मतलब होती है उत्सुकता होती है, कभी कभी कुछ करना चाहिए बंदे को। तो इतना बड़ा बार बार की सेवा कर रहे हैं। ऐसे सभी दोस्त वगैरह जो सभी ने मिलके मतलब हेल्प करी है, तो हमने मतलब सोचा थोड़ी सी हेल्प कर दे अपने लोगों के लिए। बड़ी सेवा कर रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है। बिल्कुल बहुत 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 अच्छा लगता है, मतलब अपने समाज के लिए कुछ करना हो तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। भैया जी इतनी संगत यहाँ पे जा रही है, इतनी जोरी संगत इकट्ठी हुई है, यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है इतनी संगत को बहुत, 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 बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा खुशी होती है जब हम इतने लोग हमारे इकट्ठे होते हैं, हमारा समाज इकट्ठा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल भाई, जब आप लोग इतनी सेवा करते हैं तो जो ये संगत जा रही है इनका भी हौसला बढ़ता है, और अगली बार फिर जी बढ़ चढ़ के जो है स्टार्टिंग की यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। सब जो है जो ये आपकी जो सेवा है ये इसका जो है हल मिलता है यहाँ पे, और संगत जो है इतनी सारी इकट्ठी। पहली पहली कोशिश है हमारी, अभी तो आगे आने वाले सालों में और भी मतलब आपकी कृपा से और भी ज्यादा करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महिलाएं भी सेवा कर रही हैं। तो आंटी जी से पूछते हैं, आंटी जी क्या नाम है आपका? सृष्टा देवी। तो आंटी जी ये सेवा करके कितना कितना अच्छा लगता है? इतनी सेवा करके बहुत अच्छा। इतनी सारी संगत आपके द्वार पे बैठी हुई है, क्या 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 महसूस हो रहा है? हाँ जी बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे देखिए संगत जो है सेवा कर रही है, बच्चे ये छोटी बच्ची देखिए पूरे हाइजीनिक तरीके से सेवा कर रही है। बच्चे क्या नाम है आपका? माय नेम इज जानवी। तो जानवी बच्चे आप इतनी बड़ी सेवा कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी बड़ी सेवा कर रही हूँ। जी 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 जी। आज इतनी सारी संगत जुड़ी हुई है, तो आपको आज कुछ खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सेवा मिल रही है। तो आप क्या चाहेंगे कि हर साल आप इस सेवा करें? यस, मैं हमेशा ऐसे ही चाहूंगी, मैं हमेशा ऐसे ही। थैंक यू, थैंक यू। तो शोभा यात्रा अब राजबाग से होके मुड़ चली थी नेशनल हाईवे की तरफ, और नेशनल हाईवे से चढ़वाल की तरफ शोभा यात्रा को चढ़वाल से निकल के बाजार से होते हुए फिर से सांझी मोड़ में इसकी समाप्ति होनी थी। हमें चूँकि और जो कार्यक्रम थे वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करना था, इसलिए हमने अपनी जो यात्रा है यहीं पे रोकी और शोभा यात्रा को जो है यहीं पे विराम दिया। शोभा यात्रा बड़े साथियों आपने देखी आज विशाल शोभा यात्रा जो सांझी मोड़ गांव से निकल के संपन्न होगी, जो पदौड़ गांव से खानपुर से और संजमा से निकल के राजबाग हाईवे से होके फिर से जो है चढ़वाल से होके समाप्ति की तरफ बढ़ेगी। की जोश देखा संगत में भी, और बहुत ही जोश देखा हमने सेवादारों में भी जो सेवा में लगे हुए, और जो संगत जो है वो जो इस शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट कर रही है, तो और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम धूमधाम से जो है कार्यक्रम हो रहा है। तो आज अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल ग्राउंड लेवल द रियल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ एक और नए इवेंट पर। तब तक के लिए जय गुरुदेव। जय गुरु रविदास। जय भीम।
जय भारत।